नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का इस YouTube चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे, जिसपे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 NCERT का चैप्टर 6। ये लास्ट चैप्टर है इस कक्षा के पुस्तक, भूगोल पुस्तक का। अभी ये लास्ट चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हम 9th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो ये 6 एंड लास्ट, ये इसका शीर्षक है मानव संसाधन। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। एक नॉलेज बाइट है, देख लेते हैं इसे क्या कह रहा है। क्या आप जानते हैं, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। यहाँ पे एक संसाधन को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। जैसे एक टीचर है स्कूल की, वो बोल रही है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। ये बच्चा बोल रहा है मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। और ये टीचर फिर से बोलती है 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे। विश्व में 6.6 अरब लोग। मतलब कहने का मतलब ये इतने सारे लोग के बारे में जो कहा जा रहा है, ये लोग एक्चुअली हैं क्या। ये इस चैप्टर में हमें ये समझाया गया है कि ये लोग या व्यक्ति या मनुष्य या ह्यूमन बीइंग एक संसाधन है। कैसे मानव एक संसाधन है, यहाँ पे हम देखते हैं इस चैप्टर में। जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जीवन के रहने सहने की जो उपयुक्त दशाएं या उपयुक्त सुविधाएं होती है, वो वहाँ पे बहुत ही मतलब कि हार्ड है, डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। तो विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। देखिए, केवल 10 देशों में दुनिया के लगभग 60% लोग सिमटे हुए हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। देखिए, यहाँ पे इस जनसंख्या वितरण को दिखाया गया है। विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में, ये मतलब ये 100 लोगों का एक बड़ा सा चार्ट दिखाया गया है। इसमें से एशिया में 1, यूरोप में 1, अफ्रीका में 1, मध्य व दक्षिण अमेरिका में 1, उत्तर अमेरिका में 1, ओशेनिया कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर द्वीप समूह के जो क्षेत्र होते हैं उसको ओशेनिया कहते हैं, तो उसमें 1। तो इन सबको मिला करके ये 100%। चलिए, ये हमारे काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें। ये हो सकता है इसे मानचित्र पर, ये मैप वर्क है, अगर आप इसे करना चाहो तो करके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या ये रिकॉर्ड अभी के अनुसार सही है? आप सेंसस रिकॉर्ड से इसे देख सकते हो फिर से इसे, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत ही पुराना रिकॉर्ड दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते, जनसंख्या का घनत्व। अच्छा, ये जनसंख्या घनत्व है क्या चीज भाई? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं।
मतलब कि प्रत्येक इकाई क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसे उस जगह का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। ये जो क्षेत्र है वो कितना है? लगभग 1 किलोमीटर, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो दक्षिण मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। ठीक है, यहाँ पे ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। जब जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल का सभा भवन में बैठते हैं तब वो कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है। तो ये बच्ची क्या जवाब देती है? क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है, लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है। तो इस तरह से जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसमें प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों का जितना, मतलब कि लोग जितने ज्यादा होंगे उस हिसाब से उस जगह का भराव या भरापन दिखेगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, अभी अभी हमने पढ़ा है पिछले पेज में कि पूरे संसार में जनसंख्या का वितरण असमान है, समान नहीं है। बहुत ही कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग बसे हुए हैं, लगभग 60% लोग जो हैं 10 ही देशों में सिमटे हुए हैं। तो ऐसा क्यों भाई, और बाकी जगहों में लोग क्यों नहीं रहते? तो यहाँ पे वो वैसी सिचुएशंस, वैसे रीजन्स या वैसे कॉजेज क्या है जिसकी वजह से कम कम ही जगह पे ज़्यादा लोग सिमटे हुए हैं और बाकी वर्ल्ड के बाकी जगह खाली खाली से हैं, क्यों? तो ये कारण यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, भौगोलिक कारक, ये कुछ फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम देख पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि दुनिया में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है। एक तो है भौगोलिक कारक, मतलब कि जियोग्राफिकल फैक्टर, और उसके बाद है कल्चरल और सोशल फैक्टर है, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक कारक यानी जियोग्राफिकल फैक्टर। स्थलाकृति, यहाँ ज्योग्राफिकल फैक्टर में सबसे पहले हमें देखना है स्थलाकृति। स्थलाकृति में लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैदानों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मिलती है, मकान बनाने के लिए उपयुक्त भूमि मिलती है, ऑफिसेज, कल कारखाने, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए वहाँ पे उपयुक्त दशाएं होती है। इस वजह से ज्यादा लोग मैदानी क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं बजाय कि पर्वतों और पठारों वाले जगहों पे रहने के। ठीक है, और आगे चलते हैं जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। कह रहा है जहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर जहाँ पे जलवायु बहुत ज़्यादा ठंडी है तो वहाँ पे लोग रहने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहने की जो दशाएं होती हैं वो बहुत ही कठिन होता है मनुष्य के लिए, वहाँ पे रहना डिफिकल्ट होता है, लाइफ डिफिकल्ट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोग रहते नहीं वहाँ पे, लेकिन बहुत कम ही लोग रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मृदा। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहो, चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। अब जहाँ पे उर्वर भूमि होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, वहीं पे तो लोग बस्तियां बसाएंगे। ये अनादि काल से ऐसा ही चला आ रहा है, जब मनुष्य को सभ्यता का ज्ञान हुआ तभी से ऐसा चला आ रहा है। जहाँ पे जल होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है, वहीं पे मनुष्य ने जब खेती करना स्टार्ट किया तो वैसी ही जगहों पे उन्होंने अपनी बस्तियां स्थायी रूप से बसानी शुरू की, जहाँ पे पानी उनको बहुतायत में उपलब्ध होता था, वर्ष भर पानी रहता था, ताकि उनके पीने के लिए, घरेलू कामकाज के लिए, कृषि के लिए पानी सहज ही उपलब्ध हो सके। इसलिए लोग जहाँ पे जल होता है वहीं पे रहना पसंद करते हैं।
लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल, मतलब कि जिस पानी में लवण की मात्रा नहीं हो, नमक की मात्रा नहीं हो, मतलब पीने का पानी सुलभ हो, वैसी जगहों पे लोग रहते हैं। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो वहाँ पे रहने में लोग पसंद करते हैं। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। नदी वाली नदी घाटियाँ जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी घाटी में, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे गंगेटिक बेल्ट में देख लीजिए कितना पॉपुलेशन, कितनी मतलब घनी आबादी है यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र के मैदान वाले इलाके में देख लीजिए कितनी घनी आबादी है। तो जहाँ पे नदी घाटियाँ हैं वहीं पे मतलब कि घनी बसी आबादी भी है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले। विरल मतलब क्या, छिटपुट, मतलब कि बहुत ही खाली खाली से, मतलब बहुत ही कम बस्तियां हैं, बहुत कम ही लोग के घर वहाँ पे हैं, मतलब बहुत कम ही लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब है खनिज, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खाने और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब देखिए जहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ही बहुतायत मात्रा में, मतलब कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वहाँ पर भी लोग बसना अधिक पसंद करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर से खनिजों को खनन करके वो व्यापार वाणिज्य में उपयोग कर सकते हैं, उससे धन कमा सकते हैं। इस वजह से जहाँ पे खनिज की बहुतायत होती है वहाँ पे लोग बसना पसंद करते हैं। जैसे दक्षिणी अफ्रीका का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खाने हैं, मध्य पूर्व में तेल की कुएं हैं। तो इन सब जगहों में लोग रहना पसंद करते हैं ताकि यहाँ पर से खनिजों को निकाल करके वो लोग धन कमा सकें, ठीक है। धन कमाएंगे तभी तो जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं सुलभ करा पाएंगे, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, है ना। अब आते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो पहले तो है दिया हुआ आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं, ठीक है। जहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, कल कारखाने हैं, तो वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे रोजगार भी होगा। तो और जहाँ पे रोजगार होगा वहीं पे तो लोग जाकर के नौकरी चाकरी करेंगे और अपने लाइवलीहुड यानी जीविका कमा पाएंगे, जिससे उनका जीवन चलेगा। तो इसलिए वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। अभी भी आप देखते हैं जहाँ पे जिनको नौकरी होती है वहीं पे वो अपना घर लेना या किराए पे मकान लेकर के वहीं पे रहना पसंद करते, ताकि आने जाने में सुविधा हो, वहाँ पे काम करने में सुविधा हो उनको, इस वजह से। तो जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो ऐसे क्षेत्रों के एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं कि ये दो घने बसे क्षेत्र हैं। क्यों घने बसे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे रोजगार के अवसरों की बहुतायत है, ठीक है। सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक क्या है? धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ पे धार्मिक कार्य होते हैं, सांस्कृतिक महत्ता वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ, वो ऐसे क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे कि वाराणसी, वाराणसी में जाकर के देखिए कितनी घनी आबादी है, लोग वहाँ पे बसना अधिक पसंद करते हैं कि चलो नज़दीक में गंगा नदी है, रोज आरती करने जाएंगे, गंगा आरती, ये वो दिस दैट, ठीक है। तो इस वजह से यरूशलम, ये भी है मुस्लिमों के लिए धार्मिक स्थल है। वेटिकन सिटी, ये क्रिश्चियन के लिए वेटिकन सिटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। तो ऐसी जगहों पे लोग बसना पसंद करते हैं। सामाजिक कारक देखते हैं, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे कह रहा है अच्छे आवास, मतलब अच्छे रहन सहन, मतलब कि अच्छे घर जहाँ पर मिले, जहाँ पर बेहतर शिक्षा मिले हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब कि हेल्थ सर्विसेज, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे हॉस्पिटल्स जहाँ पर हो, तो वहीं पर लोग बसना चाहते हैं। तो यहाँ पे पुणे का एग्जाम्पल दिया गया है। शब्दावली एक है यहाँ पे, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? यह है, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। मतलब कि जीवन प्रत्याशा से क्या मतलब है? किसी औसत, मतलब औसत व्यक्ति के जीवित, मतलब लोग कितने वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, इसकी आशा जीवन प्रत्याशा कहलाती है, ठीक है। या आमतौर पे संभावना में ही व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन, अब देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है,
यह कई गुना बढ़ गई है जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्यों ऐसा, क्यों मतलब कि जनसंख्या स्थिर क्यों नहीं है, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, ऐसा क्यों भाई? ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था, अब लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जन्म भी हो रहा था उस समय और मृत्यु भी हो रही थी, तो ऐसा क्यों भाई? बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, सभी लोगों के लिए पर्याप्त तो भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों के भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए पर्याप्त तो उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी, क्योंकि लोग जन्म मतलब बच्चे जन्म भी लेते तो कुछ कुपोषित होके, कुछ गंभीर बीमारियों के कारण कालकवलित हो जाते थे। लेकिन बाद में जब स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, जैसे खाद्यान्न क्रांति आई, जैसे कि देखते हैं बहुत तरह के कीटनाशक वगैरह जो भी हो, कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई, फिर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ, बहुत सारे टीके वगैरह बनाए गए, तैयार किए गए। हाँ, तो इससे क्या हुआ कि अब मृत्यु दर अब बहुत ही कम हो गई। अब जन्म तो हो रहा था और मृत्यु कम हो गई। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे है सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुँच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्यों भाई जनसंख्या विस्फोट क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस टाइम तक 1800 तक 1800 ईस्वी तक जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ क्या हुआ कि 3 अरब तक पहुँच गई केवल 150 वर्ष में। ठीक है, इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगुनी हो गई, मतलब कि 6 अरब हो गई। देखिए, 1959 में थी 3 अरब और 99 में ही हो गई 6 अरब। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? कारण वही खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही थी। अब जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर क्या चीज है? जन्म दर अर्थात प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मतलब कि प्रत्येक 1,000 जन्म हुए, 1,000 बच्चों का जन्म हुआ, उसमें कितने बच्चे जीवित बचे, उसी के आधार पर जन्म दर का मापन किया जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1,000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। अब प्राकृतिक वृद्धि दर अगर तीव्र गति से बढ़ेगी तो जनसंख्या भी बढ़ेगी। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर से जन्म दर अगर अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि होगी, जन्म दर और मृत्यु दर समान होगी तो जनसंख्या एक जैसी रहेगी। ठीक है, जनसंख्या स्थिर है। देखिए सेकंड वाला पिक्चर और थर्ड पिक्चर देखते हैं। जन्म दर से मृत्यु दर अगर अधिक हो जाएगा तो जनसंख्या कम होगी। ठीक है, यहाँ पे एक नॉलेज सॉरी ये शब्दावली है, वोकैबुलरी है, आप्रवास। आप्रवास किसे कहते हैं? जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे आप्रवास कहते हैं। और उत्प्रवास क्या होता है? जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। हाँ, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों को बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। हाँ, अब आगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वहाँ पे अच्छे आर्थिक अवसर, कहने का क्या मतलब कि रोजगार अच्छे मिले, सैलरी अच्छी मिलेगी, पैसे अच्छे मिलेंगे, हम जो भी काम करेंगे उसके पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इस चलते लोग कम विकसित देशों से अधिक विकसित देश में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ठीक है,
अब है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, इससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि चैप्टर ये बड़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या चीज़ है? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। अब यहाँ पे चूंकि मानव संसाधन वाला चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन मन में उठ सकता है कि जहाँ पे मानव अधिक संख्या में होंगे, यानी कि जनसंख्या अधिक होगी, तो क्या वो देश आर्थिक रूप से अधिक उन्नत है या अधिक विकसित है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश और जापान दोनों ही घने बसे देश हैं, लेकिन बांग्लादेश जापान की तुलना में एक पिछड़ा हुआ देश है और जापान अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हमने देखा कि बांग्लादेश उतना विकसित नहीं है जितना कि जापान है, तो क्यों, इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण वही होता है कि मानव संसाधन तभी कहा जाएगा जब उस मानव में अपने कौशल को, अपने गुण को, अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करने का, उस यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जो भी है उस देश में, उसका समुचित उपयोग कर सकने की क्षमता होगी, तभी वो मानव संसाधन कहला पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देख इस चीज़ को और समझने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं, तब क्लियर होगा। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों को इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, ये दादी अम्मा है, ये इंजीनियर है, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, ये सिंगर है, मैं घर की देखभाल करती हूँ, ये हाउसवाइफ है, मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, ये एक डॉक्टर है, ये कह रही है मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, और ये एक फार्मर है जो कह रहा है मैं किसान हूँ। तो ये कहने का मतलब, ये इतने सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो यह एक संभाव्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि समाज में हर व्यक्ति का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, अपना अलग अलग यूज़ है। उस व्यक्ति का वह व्यक्ति समाज के लिए अलग अलग तरीके से यूजफुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक डॉक्टर का ही समाज में या सोसाइटी में इम्पोर्टेंस है और एक फार्मर का नहीं है। नहीं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है और दोनों ही एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणतः 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। मतलब कि अगर हम जनसंख्या पिरामिड को ध्यान से देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस देश में कितने लोग किस तरह से कार्यकुशल है, कितनी उसमें कार्यकुशल जनसंख्या है, कितनी आश्रित जनसंख्या है। यहाँ है बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों यानी 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के जो होते हैं और वृद्ध आश्रित लोग
जो कि 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, आश्रित आयु वर्ग आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि युवा आश्रित, मतलब कि बच्चे और जो वृद्ध हैं वे आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। और कार्यरत जनसंख्या कौन सी हो गई हमारी, 15 से 65 वर्ष के बीच की जो आयु वर्ग के लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या मतलब कार्यरत आयु वर्ग कहलाती है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। ये रहा केन्या का पिरामिड, ये रहा, ठीक है। अब हम भारत का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। देखिए हमारे भारत के पास श्रम शक्ति की अधिकता है, किंतु किंतु क्या फिर भी हमारा देश अविकसित है? इसका भी कुछ रीजन है, कुछ कारण है, ये अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है, घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धायु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है, उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए, है ना। अगर शिक्षित होगी जनसंख्या तभी जा करके वह जनसंख्या या मानव संसाधन बन सकेगा। आइए कुछ प्रश्न है इसे एक बार देख लेते हैं। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? क्योंकि इसका आंसर दिया जा सकता है इस तरह से, क्योंकि लोग ही प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं। लोग अपनी योग्यताओं से इन वस्तुओं से अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु तो इन्हें संसाधन बना देते हैं। यदि किसी राष्ट्र के लोग स्वस्थ, शिक्षित और विकास से अभिप्रेरित है तो वह राष्ट्र मानव संसाधन से धनी राष्ट्र समझा जाता है, ठीक है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं? इसका आंसर हम दे सकते हैं, कुछ कारकों की वजह से विश्व में जनसंख्या के वितरण एक समान नहीं है। ये कारक आर्थिक कारक हैं, भौगोलिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं। तो भौगोलिक कारकों में हम लेते हैं अनुकूल स्थलाकृति, खनिज लवण एवं जल संसाधन की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु एवं मृदा उर्वरता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण हैं, जैसे कि गंगा के मैदान, अफ्रीका के हीरे की खदानें इत्यादि कुछ घने बसे क्षेत्र हैं, ठीक है। अब सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, यह है गृह निर्माण हेतु बेहतर क्षेत्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं वाले क्षेत्र घने बसे हुए हैं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं, उदाहरण के लिए वाराणसी, यरूशलेम इत्यादि। आर्थिक कारक में देखते हैं जिन स्थानों पर कल कारखाने एवं उद्योग धंधे अवस्थित होते हैं, यातायात एवं संचार सुविधाएं बेहतर होती है, वहाँ पर रोजगार के मौके भी अधिक होते हैं जिसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हुए चले आते हैं। यही कारण है कि मुंबई, ओसाका जैसे शहर ज़्यादा घने बसे हुए हैं। अब कह रहा है विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि खाद्यान्न आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के फलस्वरूप मृत्यु दर में गिरावट हुई है। इसके अलावा मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर काफी काफी उच्च रही है, इस वजह से विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। चौथा क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये दो कारक, यही एक जन्म दर ले लेते हैं, एक मृत्यु दर है। तो जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले दो कारक है। प्रति 1,000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, उसी प्रकार प्रति 1,000 लोगों पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ये जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक हैं, कारण हैं। जब जन्म दर मृत्यु दर से ऊंची हो जाती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, उसी तरह जब मृत्यु दर जन्म दर से ऊंची हो जाती है तब जनसंख्या घट जाती है, लेकिन जब दोनों दर बराबर रहते हैं तो जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। अब यह जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, पांचवा क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन यह जानने में हमारी मदद करता है कि कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष, उनके आयु वर्ग, साक्षरता, आजीविका के साधन, उनकी आय का स्तर एवं स्वास्थ्य दशाएं इत्यादि। अब है जनसंख्या पिरामिड क्या है, ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि होती है।
इसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या के आयु समूह का वितरण वर्तमान जनसंख्या में कुल आश्रितों की संख्या तथा आर्थिक रूप से क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खत्म। हाँ, जनसंख्या वितरण शब्द से, जनसंख्या वितरण शब्द से क्या क्या तात्पर्य है, तो इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा, पहला का ग हो जाएगा। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। दूसरा कह रहा है वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो ये तीन मुख्य कारक कौन से हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का ख, जन्म मृत्यु और प्रवास। ठीक है, तीसरा है 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई, चैप्टर में हमने पढ़ा है विश्व की जनसंख्या 1999 में हो गई थी 3 अरब, तो ख आंसर हो जाएगा इसका जनसंख्या पिरामिड क्या है। चौथा कह रहा है जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण होता है। ठीक है, क आंसर हो जाएगा इसका। तो अब ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, अब हम इसको अब खत्म करते हैं, या फिर ये भी कर लोगे, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। हालांकि ये बच्चों वाला चीज़ है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ क्षेत्र हो जाता बन जाता है। यहाँ पे विरल भर देंगे, घना बसा हुआ बन जाता है, ये घना भरेंगे। ठीक है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी, अनुकूल जलवायु, अनुकूल भरेंगे, और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति, प्राकृतिक भर देंगे, और उर्वर जमीन आते हैं। बस हो गया, बस इतना ही भर आएगा इसमें। बाकी अब हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। और लास्टली मैं आप सबको इस वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। आती हूँ एक नई वीडियो के साथ आप सबों के लिए लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।